नमस्कार, आपके अपने चैनल में स्वागत है। श्री कृष्ण ने बताए कलयुग के पांच सत्य। दोस्तों, क्या आप श्री कृष्ण के बताए कलयुग के पांच सत्य के बारे में जानना चाहते हो? तो आपसे अनुरोध है कि कुछ समय देकर पूरे लेख को अच्छी तरह से पढ़ें, ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में ही कलयुग का वर्णन कर दिया था कि कलयुग में लोगों का जीवन कैसा होगा। दोस्तों, इस कहानी में हम कलयुग की वह पांच बांटे प्रस्तुत करेंगे जो भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को बताई थी, और उस बांटों से सीख लेकर हम अपने जीवन में भी कुछ अवश्य बदलाव ला सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को बताए थे कलयुग के ये पांच कड़वे सत्य। जुए में छल से सब कुछ हारने के बाद जब पांडव वन में जा रहे थे, तभी सहदेव ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हमने तो ऐसा कोई बड़ा पाप नहीं किया है, फिर भी हमें इतना बड़ा दंड क्यों? तब श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय सहदेव, द्वापर युग अपनी अंतिम चरण पर है। ये सब जो हो रहा है वह आने वाले कलयुग का प्रभाव है। इस पर युधिष्ठिर ने आचार्य से भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे वासुदेव, कलयुग तो अभी आया भी नहीं है, और उसका इतना भयंकर परिणाम क्यों? जब कलयुग आरंभ हो जाएगा तो क्या होगा? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, आप सभी भाई वन में जाइए और वहाँ जो कुछ भी दिखे आकर मुझे विस्तार से बताना होगा। उसी आधार पर मैं आपको कलयुग की गति के बारे में बता पाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर पांचों भाई वन में अलग अलग दिशा में चल दिए। पांचों भाई वन में जाकर वापस लौटे तो आश्चर्य से भरे हुए थे। युधिष्ठिर के प्रश्न का उत्तर दिया श्री भगवान कृष्ण ने। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, अब आप लोग बताइए कि आपने क्या क्या देखा। सबसे पहले युधिष्ठिर ने बताया कि हे योगेश्वर, मैंने एक दो सूंड वाले गंज को देखा, इसका क्या अर्थ है? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इसका अर्थ यह है कि कलयुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और, करेंगे कुछ और, मन में कुछ और, कर्म में कुछ और, ऐसे ही लोगों का राज्य होगा। उसके बाद महाबली भीम ने कहा, हे वासुदेव, मैंने एक गाय को देखा जो अपने बच्चे को इतना चाट रही थी कि वह बच्चा लहूलुहान हो गया। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री कृष्ण ने कहा, इसका अर्थ यह है कि कलयुग का मनुष्य अपने बच्चों को आवश्यकता से अधिक लाड प्यार करेगा, उनकी अपने संतानों के प्रति माया और ममता इतनी बढ़ जाएगी कि उनकी संतानों को अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। कलयुग में माता पिता अपनी संतानों को परिवार की मोह माया में बांध कर रखेंगे, जिसके कारण उनका घर बर्बाद हो जाएगा। मोह माया में ही घर बर्बाद हो जाएगा। किसी दूसरे का बेटा घर छोड़कर साधु बनेगा तो हजारों व्यक्ति उनके दर्शन करेंगे, किंतु यदि अपना ही बेटा साधु बनता होगा तो रोएंगे कि मेरे बेटे का क्या होगा, उसने क्या कर लिया। इतनी माता पिता की इतनी सारी ममता होगी कि उसे मोह माया और परिवार में ही बांध कर रखेंगे, और उसका जीवन वहीं खत्म हो जाएगा। अंत में बेचारा अनाथ होकर मरेगा। अर्जुन के प्रश्न का उत्तर दिया भगवान श्री कृष्ण ने। अर्जुन ने कहा कि हे योगेश्वर, मैंने जो देखा वह तो इससे भी कई अधिक आश्चर्यजनक था। मैंने देखा कि एक पक्षी के पंखों पर वेद की ऋचाएं लिखी हुई थी, और वह पक्षी एक मुर्दे का मांस खा रहा था। इसका क्या अर्थ है?
इस पर भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा कि कलयुग में ऐसे लोग होंगे जो बड़े ज्ञानी और ध्यानी कहलाएंगे। वे ज्ञान की चर्चा तो करेंगे लेकिन उनके आचरण राक्षसी होंगे। बड़े पंडित एवं विद्वान कहलाएंगे किंतु वे यही देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य मर जाए और हमारे नाम से संपत्ति कर जाए। चाहे कितने भी बड़े लोग होंगे किंतु उनकी दृष्टि दूसरे के धन और पद के ऊपर ही रहेगी। सत्पुरुष तो बहुत ही कम दिखेंगे। नकुल के प्रश्न का उत्तर दिया श्री भगवान कृष्ण ने। नकुल ने कहा, भैया मैंने देखा कि एक बहुत बड़ी चट्टान पर्वत से घिरी, उसे बड़े से बड़े वृक्ष भी उसे नहीं रोक पाए, किंतु एक अत्यंत छोटे से पौधे का स्पर्श होते ही वह चट्टान वहीं पर स्थिर हो गई। इसका अर्थ बताते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कलयुग में मनुष्य की बुद्धि क्षीण हो जाएगी और उसका जीवन पतंग हो जाएगा और उस पतंग को धन और बड़े बड़े सत्ता रूपी वृक्ष रोकने में असक्षम होंगे, किंतु हरि नाम के एक छोटे से पौधे से मनुष्य जीवन का पतंग होना रुक जाएगा। अतः कलयुग में हरि नाम ही मोक्ष और मुक्ति का एकमात्र मार्ग होगा। सहदेव के प्रश्न का उत्तर दिया श्री भगवान कृष्ण ने। सबसे अंत में सहदेव ने कहा, हे मधुसूदन, मैंने देखा कि 6-7 कुएं थे और आसपास के कुओं में पानी है, किंतु बीच का कुआं खाली है। बीच का कुआं गहरा है फिर भी पानी नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है और इसका क्या अर्थ है? इस पर भगवान श्री कृष्ण बोले, कलयुग में धनी लोग लड़के लड़की के विवाह में, छोटे बड़े महा उत्सव में, सत्ता के लालच में बहुत ज्यादा पैसे खर्च कर देंगे, किंतु अगर किसी भूखे को देखेंगे तो उनकी सहायता करने में किसी व्यक्ति को कोई रुचि नहीं होगी। उनका अपना ही सगा भूख से मरेगा फिर भी वह लोग उसे देखते रहेंगे। दूसरी ओर मौज मस्ती, मंदिरा पान, मांस खाना सुंदर यवान और व्यसन में पैसे उड़ा देंगे, किंतु किसी के दो आंसू पोंछने में किसी को कोई रुचि नहीं होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि कलयुग में अन्न के भंडार होंगे लेकिन लोग भूख से मर जाएंगे। कलयुग के ये 5 सत्य, लेकिन जो लोग ऐसी आदतों से दूर रहेंगे उस पर कलयुग का नहीं बल्कि परमात्मा का प्रभाव होगा। तो दोस्तों ये है कलयुग के 5 सत्य जो भगवान श्री कृष्ण ने पांडव को बताए थे और आज ये सब हम अपने आसपास भी देख रहे हैं। दोस्तों ये सभी बांटों को अपने जीवन से जोड़कर देखें तो आप पाएंगे कि कलयुग के प्रभाव से ये सभी अवगुण हमारे अंदर हैं। लेकिन इस कहानी के माध्यम से कुछ सीख लेकर हमें अपने जीवन में अवश्य बदलाव लाना चाहिए ताकि हमारे जीवन में कलयुग का नहीं बल्कि परमात्मा का प्रभाव हो। जय श्री कृष्ण। तो कैसी लगी आपको हमारी यह वीडियो? अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।